पुलवामा हमले में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले का एक ड्राइवर ने अनोखे ढंग से विरोध जताया है। उसने बड़ा दावा किया है जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। यह ड्राइवर पंजाब के फाजिल्का का रहने वाला है। इन दिनों वह चंडीगढ़ के मौली जागरा में रहता है। वह चंडीगढ़ में ऑटो चलाता है और पुलवामा के हमले के बाद काफी दुखी है। विरोध जताते हुए उसने कहा कि अगर हमारा देश पुलवामा आतंकी हमले का बदला ले लेता है तो अगले मैं एक महीने तक फ्री ऑटो सेवा दूंगा, और वो ये ऑटो सेवा उसने कल से शुरू कर दी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार है। मैं चंडीगढ़ में एक ऑटो ड्राइवर हूँ। जैसा कि मैंने कहा था पहले कि 14 फरवरी को जो आतंकवादी हमला हुआ था, और आतंकवादी हमला में पुलवामा जो भारतीय जवान शहीद हुए थे, तो जिस दिन उनकी शहादतों का बदला ले लिया जाएगा उस दिन से मैं जो ऑटो है वो एक महीने तक फ्री चलाऊंगा। तो आज जो बदला है वो भारतीय वायुसेना ने 12 दिन बाद 12 विमान भेज करके अपना बदला जो है ले लिया गया है। और मैं साथ ही एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अभी अभी न्यूज़ मिली है कि ड्रोन भी मारा गिराया है जो पाकिस्तान के बाघा बॉर्डर पर, न्यूज़ मिली है। तो उसी खुशी में भारत को जो आज हमने हमारे हिंदुस्तानियों ने मुँह तोड़ जवाब दिया है, उसी खुशी में मैं जो है ऑटो आज से एक महीना तक फ्री चलाऊंगा। पहले तो जो था कि मैं इंडियन आर्मी को फ्री सर्विस देता ही था, जिसमें मैंने लिखवाया भी होता कि इंडियन आर्मी फ्री सर्विस, जो कि मैं पिछले 7 साल से दे रहा हूँ। लेकिन आज इंडियन आर्मी की जगह सिविलियंस भी बैठेंगे आज से पूरा एक महीना, जिसमें मैंने लिखा भी हुआ सर्जिकल पार्ट 2 की खुशी में एक महीना मेरा ऑटो फ्री रहेगा। एक महीना आप कैसे गुजारा करेंगे? मैं फिर कहना चाहूँगा कि जो लोग कहते हैं ना कि जो अगर किसी कामयाबी के पीछे किसी औरत का हाथ हो जाता होता है, तो वो मेरी वाइफ है और वो मुझे पूरा सपोर्ट कर रही हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग देश की सेवा करने के लिए हमें इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स में ही ज्वाइन करनी चाहिए। नहीं, हमको सिविलियंस का भी कुछ फर्ज बनता है जिस देश का हम रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि बॉर्डर पर रक्षा करते हुए एक भारतीय जवान ही शहीद हो। अगर हिंदुस्तान को अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं भी उस बॉर्डर पर जाऊँगा। चंडीगढ़ से अर्थ प्रकाश के लिए मनदीप गौतम की रिपोर्ट।